हेलो दोस्तों, मैं अमित खजाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक के जो हमारे चैप्टर चल रहे थे, आपने देखा है कि पिछला चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस का था। अब नया चैप्टर हमारे सामने आता है बट्टा या फिर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में आपको करना क्या होता है कि जो चीजें, देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये तो आप दोनों अच्छे, ये दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक तीसरी चीज भी हमारे पास आती है, वो आती है एमआरपी या फिर अंकित मूल्य। ठीक है, अब वो अंकित मूल्य क्या होता है कि जो मूल्य किसी भी वस्तु की पैकिंग के ऊपर मार्क्ड होता है। मतलब अगर आपके पास मार्क्ड 100 रुपए है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 100 रुपए में ही वो चीज खरीदी गई होगी और 100 रुपए में ही बेची जा रही है। ठीक है, यानी कि वो जो एमआरपी होता है उसके अंदर उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो जितना उसको प्रॉफिट लेना है वो भी होगा, और वो जब मिला के आप कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तब आपका बनता है एमआरपी या फिर अंकित मूल्य। ठीक है, तो जिस प्रकार हम करते थे अभी तक कि जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, लाभ या हानि जो भी हम कंसिडर करते हैं, जो भी हम निकालते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जब तक कि आपको स्पेशली ना बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर इसके ऊपर लाभ या हानि क्या होगा, लेकिन जनरली हम उसके ऊपर करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर या फिर क्रय मूल्य के ऊपर। अब बट्टे की बात जब आती है, डिस्काउंट की बात जब आती है, तो ये हमेशा आपको मिलता है अंकित मूल्य के ऊपर। ठीक है, जितना अंकित मूल्य होगा उसके ऊपर कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा आपको मिलेगा एमआरपी के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास जो एमआरपी होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आता है कि एक विक्रेता पहले 3,000 रुपये मूल्य की बिक्री पर एक्स प्रतिशत कमीशन देता है, जबकि इसके अतिरिक्त धनराशि पर वाई प्रतिशत का कमीशन देता है। उसने 7,000 रुपये मूल्य की बिक्री पर कुल 1,100 रुपये और 11,000 रुपये की बिक्री पर कुल 1,660 रुपये का कमीशन दिया, तो क्रमशः एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर वो 11,000 रुपये अगर वो 11,000 रुपये की बिक्री करे तो उसको कमीशन देना पड़ता है 1,660 रुपये। ठीक है, यानी कि 11,000 पर कमीशन वो देता है 1,660। ठीक है, लेकिन अगर 7,000 का अगर वो देखें तो 7,000 पे वो देता है सिर्फ 1,100 रुपये। ठीक है, 3,000 पे आपने दे रहा है वो एक्स परसेंट, यानी कि 3,000 पे आपको पता नहीं क्या आएगा। देखिए, ये दो तीन चीजें आपको दे रखी हैं कि 11,000 पर कमीशन 1,660, 7,000 पर कमीशन 1,100 रुपये। अब आप देखो कि अगर 4,000 पे कमीशन हमें देखें तो 4,000 पे कमीशन कितना मिल रहा है, 560 रुपये। ये तो मिल रहा है भाई। भाई 1,660 में से अगर आप 1,100 को माइनस करो तो 560 रुपये 4,000 पे कमीशन मिलता है। ठीक है, यानी कि इन 4,000 पे, जो 3,000 से 7,000 के बीच था, इस 4,000 पे भी उसको 560 रुपये का ही कमीशन मिला होगा। मिला होगा नहीं मिला होगा भाई? अगर 7 से 11 पे 4,000 पे उसको कमीशन मिलता है 560, तो 3,000 से 7,000 के बीच का जो 4,000 रुपये है उस पर भी उसको 560 रुपये का ही कमीशन मिला होगा। ठीक है, क्योंकि हर 4,000 पे उसको 560 रुपये मिलते चले जाएंगे। अब लेकिन अगर मैं पूरा 1,100 की बात करूं, पूरे सॉरी 1,100 नहीं, 11,000 पूरे, अगर मैं 11,000 की बात करूं तो 11,000 पे कमीशन कितना चला गया, 1,120 रुपये। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर मैं यहां से लेके, अगर 0 से लेके और 3,000 के बीच की बात करूं, ठीक है, तो आप देखो कि 0 से लेके 7,000 तक, 7,000 तक उसको कमीशन मिल रहा था 1,100 रुपये, जिसमें से ये जो 560 रुपये थे, जिसमें से ये जो 560 रुपये थे वो तो 3,000 से ऊपर की बात है। यानी कि 0 से 3,000 के बीच का कितना उसका कमीशन बचता है, बस 1,100 माइनस 560, यानी कि ये आपके पास बचेगा 0 और 110 में से 56 गए तो 54, यानी कि 540 रुपये आपको मिलता है 0 से 3,000। अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, 7,000 से 11,000 के बीच, यानी कि ये जो 4,000 का डिफरेंस था उसमें 560, तो यानी कि इससे पिछले जो 4,000 होंगे उसमें भी 560 ही मिला होगा।
तो 3000 से 7000, 7000 से 11000, यानी कि 560 और 560। लेकिन वो कह रहा था कि स्टार्टिंग से लेके 7000 तक उसको कमीशन देना पड़ता है 1100 रुपए, जिसमें से 3000 के ऊपर का चला गया 560, तो 3000 से नीचे का कितना बचा 540। समझ रहे हो? तो यानी कि 540 मिलता है 3000 तक का, और 4000 जो बाकी बचते हैं उन पर मिलता है उसको 560 रुपए। अब आपसे यही पूछा था कि 3000 की बिक्री तक वो देता है एक्स परसेंट, यानी कि 3000 की बिक्री तक ये है एक्स परसेंट, और वो कितना है 540। ठीक है, 0000 यानी कि 0 से 0 और 3 से गया 18, यानी कि x बराबर तो कितना मिला आपको 18%। और अब पूछ रहा है कि y, इसके अतिरिक्त धनराशि पर y प्रतिशत कमीशन। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये जो 4000 रुपए थे इस पर उसको मिल रहा है 560 रुपए, यानी कि 4000 का y परसेंट जो है वो है 560। ठीक है, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, यानी कि 14 से इसको काटोगे तो 14 6 56, यानी कि x बराबर कितना 18% और y बराबर कितना 14%। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि हम ये जो 0 से 3000, 3000 से 7000 और 7000 से 11000, उसके गैप देख लेंगे 4000 वाला, और नीचे देख लेंगे उसके कमीशन का गैप। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आता है कि एक दुकानदार ने समान प्रकार के 84 कमीज 240 रुपए प्रति कमीज के मूल्य पर खरीदा, उसने परिवहन और पैकेजिंग पर कुल 3200 रुपए व्यय किया, वह प्रत्येक कमीज पर 420 रुपए अंकित मूल्य करता है, मूल्य अंकित करता है, उसने अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, तो कुल लेन देन में उसको दुकानदार को कुल कितना लाभ हुआ। देखिए 84 कमीज थी, 240 रुपए प्रति कमीज के दर से उसने खरीद लिया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 84, क्योंकि उसने पैकेजिंग वगैरह पे भी उसने कुछ खर्च किया हुआ है, तो हम देख लेंगे 84 कमीज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि 84 का अगर मैं क्रय मूल्य देखूं तो कितना हो जाएगा 84 गुना 240 और प्लस 3200। क्यों? क्योंकि मैं जब लाभ हानि आपको जब चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी खर्च होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पे हो, चाहे वो रिपेयर पे हो, चाहे किसी भी तरीके से हो रहा है, वो सारा आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के अंदर जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो यहां भी उसने परिवहन पर 3200 रुपए खर्च कर रखे हैं, परिवहन और पैकेजिंग पर, तो यानी कि ये भी तो 3200 रुपए इसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेंगे, तो हमारा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 2496 और 2482 और 9201। ठीक है, और प्लस 3200, यानी कि टोटल अगर हम क्रय मूल्य देखूं तो टोटल क्रय मूल्य हो गया आपके पास आ जाएगा 06 और 201 और 31 232 233 हो जाएगा आपके पास, यानी कि 23360 रुपए आपके पास टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य किया 420, लेकिन 15% की छूट दे दी, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया एक का, अगर एक की बात करें तो 420 का 85%, 15% की तो छूट चलेगी, यानी कि 85% पे बेचा, और कितनी कमीज थी आपके पास, टोटल थी 84। ठीक है, 10 से 10 गया, 5 से अगर काटोगे 17 बार 5 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 21 बार, यानी कि इस सब को करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 21 गुना 17 अगर करोगे तो 357 गुना 84। ठीक है, और अगर इसको करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 8 और 84 5 420 और 8, और फिर आ जाएगा आपके पास 84 गुना 3 और 9, यानी कि 299, यानी कि 29988 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि दुकानदार का कुल लाभ क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य आपके पास है, तो लाभ कितना हो जाएगा 29988 में से आपने माइनस कर दिया 233.60, यानी कि ये बचा 28 और ये बचा 66, 6628 रुपए उसका लाभ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यवसायी एक खुदरा विक्रेता को एक वस्तु 20% की छूट पर देता है, लेकिन छूट के बाद शेष राशि पर वह डिलीवरी और पैकेजिंग हेतु 10% का शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 240 रुपए अधिक पर बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो व्यवसायी ने उस व्यक्ति का, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा था। देखिए 20% की छूट देता है,
अगर आप सिर्फ परसेंटेज को काउंट करें या परसेंटेज के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या क्या होगा, देखिए 20% की छूट यानी कि 20/100 ये हो गया आपका छूट, और छूट हमेशा कहां मिलती है, अंकित मूल्य के ऊपर। समझ में आया, यानी कि अगर आपका अंकित मूल्य 20 है जिसपे आपने छूट ले ली 20 रुपए, तो यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य माइनस छूट का मतलब 80 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है जी। लेकिन छूट के पश्चात शेष राशि पर वे डिलीवरी और पैकेजिंग हेतु 10% का शुल्क लेता है, यानी कि 10% का मतलब आप 1/10 कह सकते हो, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो छूट देने के बाद जो पैसा बचता है, यानी कि जैसे हमारे यहां 80 रुपए बचा, इस पे 1/10 हिस्सा वो डिलीवरी और पैकेजिंग का शुल्क ले लिया, यानी कि शुल्क जो लिया वो कितना लिया, 80 का 1/10 भाग कितना हो जाएगा, 8 रुपए 10वां हिस्सा, यानी कि उसका कुल विक्रय मूल्य हो गया 88, ठीक है, यानी कि 88 रुपए आपका कुल विक्रय मूल्य कुल हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये कह रहा है कि खुदरा विक्रेता इसे, ठीक है, अगर व्यवसायी इसको बेच रहा है, व्यवसायी का अगर कुल विक्रय मूल्य इतना है तो ये खुदरा का तो क्रय मूल्य हुआ, ठीक है जी, यानी कि खुदरा का क्रय मूल्य कितना हो गया, खुदरा व्यापारी का 88 रुपए। भाई अगर व्यवसायी बेचेगा यानी कि होलसेलर अगर बेचेगा तो बेच रहा है 88 रुपए में, ठीक है, और अगर कोई खुदरा व्यापारी उसको खरीदेगा 88 रुपए में, तो यानी कि वो ही जो मूल्य है 88 रुपए जो है वो व्यवसायी के लिए तो कुल विक्रय मूल्य है, लेकिन खुदरा के लिए तो वो क्रय मूल्य हुआ क्योंकि खुदरा व्यापारी ने उसको खरीदा है, ठीक है, यानी कि 88 रुपए उसका हो गया क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि इसे 2040 रुपए अधिक में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया, 125%, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 भाग लाभ के, ठीक है, यानी कि 1/4 भाग जो है वो लाभ के कमाता है, 1/4 कितना हो जाएगा 22 का, यानी कि लाभ कितना हो गया 22 रुपए, समझ रहे हो, 1/4, यानी कि 25% का मतलब 1/4 होता है, तो या तो आप निकाल लो 88 का 125%, ठीक है, वहां आप निकलेगा सीधा विक्रय मूल्य, लेकिन अगर मैं सिर्फ लाभ की बात करूं तो यहां आपको 25% निकालना था, ठीक है, तो लाभ अगर 22 रुपए है तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 88 प्लस 22 का मतलब 110 रुपए, ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके पास 110 रुपए, क्या उसका विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, खुदरा व्यापारी का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2040 रुपए अधिक में बेचा था इसने, यानी कि ये जो 22 के बराबर था वो उसने बेचा था 2040 रुपए अधिक, यानी कि एक तरफ तो उसने ले लिया 2040 का प्रॉफिट और दूसरी तरफ वो ले रहा है, अगर हम परसेंटेज की बात करें सिर्फ, क्योंकि यहां हमारी चीजें हमने 100 मान के किया था, ठीक है ना, हमने यहां 100 मान के किया था, तो 100 से हमारा आता है 22, लेकिन यहां 22 के बराबर आपको कितना दे रखा है, 2040, ठीक है, तो यानी कि 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2040/22, ठीक है, 22 अगर आप इसको काटेंगे 22 8 176, 22 9 198 और 22 3 66, यानी कि 93 रुपए आ गया 1 के बराबर। अंकित मूल्य आपने कितना लिया था, 100, यानी कि 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 93, सो आंसर आपका 5, ठीक है, समझ में आया। व्यवसायी का विक्रय मूल्य था 80 रुपए क्योंकि उसने 20% की छूट दे दी, लेकिन 10% का उसने ले लिया डिलीवरी पैकेजिंग चार्ज, यानी कि 80 का 10वां हिस्सा का मतलब 8 रुपए उसने ले लिए पैकेजिंग चार्ज, यानी कि 88 रुपए में उसने बेचा था, खुदरा में उसको खरीदा होगा, ठीक है, खुदरा ने 88 में खरीदा, 25% का लाभ अर्जित करता है तो मतलब 22 रुपए का वो लाभ अर्जित करता है, तो 22 के बराबर आपको दे रखा है 2040, तो 100 के बराबर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, इस मूल्य पर उसने केवल 1/3 स्टॉक बेचा, शेष स्टॉक का वह आधा भाग 7.14% की छूट पर और शेष आधा भाग 16.67% की छूट पर बेचा, तो विक्रेता का समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर दर्शाता है, यानी कि 150/100, भाई ये अगर उसका क्रय मूल्य हो गया तो ये कितना हो गया उसका अंकित मूल्य, ठीक है, भाई 50 रुपए कह सकते हो आप अगर 100 के आप काउंट कर रहे हो,
या फिर 50% जो उसने अधिक मूल्य पर दर्शा दिया। अब ये कह रहा है कि इस मूल्य पर एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब 50 जो था उसने 50 रुपए में बेच दिया, ठीक है। शेष स्टॉक का आधा भाग, यानी कि शेष कितना बचा, अगर 50 चला गया तो बचा कितना, 100, 100 का आधा अभी भी 50, यानी कि 50 जो उसने बेचा है वो उसने कितने पे बेचा, 7.14% की छूट पर, यानी कि 7.14% की छूट का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर वो 50 पे दे रहा है 7.14% छूट, ठीक है, यानी कि आप छूट को कहां काउंट करते हो, परसेंटेज के ऊपर, यानी कि 100 पे छूट मिल रही है 7.14, तो 50 पे कितनी छूट मिलेगी, इसकी आधी, क्योंकि जब हम परसेंटेज काउंट करते हैं भाई, यहां हम छूट की अगर मैं बात करूं तो 7.14 उसको कहां मिल रहा है, परसेंटेज का मतलब 100 रुपए पे 7.14, 100 रुपए पे उसको छूट मिल रही है 7.14, तो 50 पे कितनी मिलेगी, आधी, तो यानी कि 50 की छूट कितनी होगी, तो अगर इसको आप आधा करोगे तो 3.57, ठीक है, यानी कि अब विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, बाकी आधे का, 50 में से अगर आप 3.57 को माइनस करेंगे तो 46.43, ठीक है, ये हो गया दूसरा विक्रय मूल्य, ये था 50 क्योंकि उसने उसी मूल्य पर बेचा था। अब ये कह रहा है और शेष भाग, यानी कि 50 वहां चला गया, 50 यहां चला गया, अब जो बाकी 50 बचता है वो बेचता है 16.67% की छूट पर, तो सेम काम यहां है कि परसेंटेज को हम जो छूट को काउंट कर रहे हैं परसेंटेज पर, लेकिन हमको यहां बेचना है 50 चीजें, तो यानी कि 16.67 का आधा कितना हो जाएगा, 8 और 3, और इसको चलो कर लेते हैं 34 कर लेते हैं, ठीक है, हमने तो लगभग ही देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, यानी कि 50 में से अगर मैं 8.34 को माइनस कर दूं तो 41.66, तो तीसरा क्रय मूल्य आ गया आपके पास 41.66, पहला था 50, दूसरा था 46.43 और तीसरा था 41.66, टोटल काउंट कर लें, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 96, 96 और 41 137, और प्लस अगर इसको काउंट करोगे तो 1.109, ठीक है, यानी कि 137 और प्लस 138, आप मोटा मोटा मान सकते हो कि 138 रुपए पे, 138% पे उसने बेचा है, ठीक है, यानी कि समग्र लाभ प्रतिशत कितना हो गया, परसेंटेज नहीं था जो एग्जैक्ट रुपए थे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100 रुपए क्रय मूल्य था, 138 में बेच रहा है, तो यानी कि 38% का उसको लाभ, समझ रहे हो, अगर आप इसको परसेंटेज के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, हम देखें कि जहां छूट वो दे रहा है, यानी कि 7.14% की अगर वो छूट देगा तो वो छूट हम काउंट करते हैं 100 के ऊपर, यानी कि 100 रुपए पर 7.14 की छूट, तो 50 पे कितनी उसकी आधी, वैसे ही 100 पे दे रहा है वो छूट दूसरे भाग पे 16.67, तो 50 पे कितनी देगा, यानी कि उसकी भी आधी, तो यानी कि अब आपने देख लिया कि टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना बनता है, लगभग 138, ठीक है, 138 अगर उसका विक्रय मूल्य बनता है 100 रुपए में उसने खरीदा था तो मतलब उसका बनेगा 38% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दुकानदार ने एक कलाकृति एक निश्चित मूल्य पर खरीदी और इसका क्रय मूल्य, इसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देकर 10% के लाभ पर उस ग्राहक को एक उस कलाकृति को एक ग्राहक को बेच दिया, दुकानदार द्वारा दिया गया बट्टा प्रतिशत क्या है, देखिए 20% जो है अधिक अंकित किया, यानी कि 120 अंकित किया कितने पे, 100 रुपए पे, ये हो गया आपका अंकित मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि 100 में खरीदी उसको अंकित कर दिया उसने 120 रुपए, ठीक है, अब ये कह रहा है कि निश्चित बट्टा देकर 10% के लाभ पर, यानी कि 100 की बजाय 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 10वां हिस्सा, यानी कि 10 रुपए उसको लाभ हो गया, ठीक है, यानी कि उसने बेची कितने में थी, अगर आप उसका विक्रय मूल्य देखो या सेलिंग प्राइस अगर आप देखो तो 100 रुपए का क्रय मूल्य था, 10 रुपए का प्रॉफिट, तो मतलब उसने बेचा उसको 110 रुपए में, ठीक है जी, 110 रुपए में उसने बेच दिया। अब ये कह रहा है कि वो जो बट्टा दिया है वो कितना दिया, यानी कि अंकित मूल्य उसने रखा था 120, बेचा है उसने 110 पे, तो यानी कि कितने की छूट दी, 10 रुपए की, छूट परसेंट निकालने के लिए छूट गुना 100 और डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य, ठीक है, क्योंकि हम जब भी छूट प्रतिशत निकालते हैं हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर ही निकालते हैं, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 25, यानी कि 25/3% की उसको छूट मिली,
ठीक है, 25/3 को आप 801/3% भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो आपको परसेंटेज दे रखी है उसी के थ्रू क्वेश्चंस करोगे, थोड़ा सा और आसान चीजें आपके लिए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य मेज के अंकित मूल्य से 40% कम है, कुर्सी पर छूट 50% है, मेज पर कितनी छूट दी जाए ताकि मेज और कुर्सी पर कुल छूट 37.2% हो जाए। देखिए, पहले तो हम अंकित मूल्य की बात कर लेते हैं कि कुर्सी का अंकित मूल्य मेज के अंकित मूल्य से 40% कम है, यानी कि अगर आप मेज का अंकित मूल्य 100 रुपए ले लें, अगर आपने मेज का अंकित मूल्य 100 रुपए ले लिया तो कुर्सी का कितना हो गया, 40% कम का मतलब 60 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेज का अंकित मूल्य आपने ले लिया 100, तो कुर्सी पर 60 रुपए उसने अंकित किया, क्योंकि 40% कम का मतलब क्या हो गया, 40 रुपए कम कर दो सीधा। अब ये कह रहा है कि कुर्सी पर छूट 50% है, 50% का मतलब आधा, तो यानी कि ये जो इस पे छूट आएगी वो आएगी 30 रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल छूट देखते हैं तो टोटल छूट जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 37.2%, ठीक है। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं 160 की, तो 160 पे आप छूट दे रहे हैं 75/2%, 2% का साइन हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मेज और कुर्सी पर कुल छूट अगर 160 पे 75% का आधा यानी कि 37.5% है, तो हम देख लेते हैं कि उसने टोटल छूट कितनी मिल रही है। जीरो से जीरो गया, ठीक है, या फिर 25 से काटते हैं, आसान पड़ेगा। 25 × 3 25 × 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ये कितना था, 160 था ना, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपके पास आ गया 25 × 3 25 × 4, यानी कि 25 से ऊपर काटा 3 बार, नीचे काटा 4 बार, 4 × 2 8, 8 से काटा 20, यानी कि 20 दिया 60 रुपए, यानी कि टोटल छूट आपने देनी है 60 रुपए की, ठीक है। अगर 60 रुपए की छूट देनी है जिसमें से 30 रुपए तो आप कुर्सी पे दे चुके, तो यानी कि 30 रुपए ही बचती है आपकी मेज की छूट, तो 100 का 30 रुपए कितना हो जाएगा, 30%, सिंपल सा कैलकुलेशन, समझ में आया। मेज का अंकित मूल्य 100 मान लिया तो कुर्सी का हो गया 60, 50% का मतलब आधी छूट आपने दे दी कुर्सी के ऊपर 30 रुपए की, टोटल छूट आपने देनी है उसकी 60 रुपए की, तो यानी कि 30 रुपए आपको मेज पे छूट देनी पड़ेगी, यानी कि 30% का आपको मेज पे छूट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है एवं उसे 10% के बट्टे पर बेच देता है, बेचते समय वह क्रेता को 20% कम वजन तोलता है, उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि अभी हमने कई क्वेश्चन इस तरह के कर लिए हैं, ये हो गया आपका अंकित मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है जी। 50 रुपए, 50% अधिक अंकित मतलब आपने ले लिया सीधा सा उसको 50 रुपए बढ़ाकर, वो कह रहा है कि उसे 10% के बट्टे पर बेचता है, यानी कि 10% का बट्टे का मतलब क्या हो गया, 1/10 हिस्सा कम कर देता है, तो यानी कि 15 रुपए कम कर देता है और उसका विक्रय मूल्य आ गया आपके पास 135। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है। 10% बट्टे का मतलब 1/10 हिस्सा वो कम कर देता है, ठीक है, यानी कि 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा 150 का, 15 रुपए, तो यानी कि 15 रुपए कम करके उसने बेच दिया 135 रुपए पर। लेकिन बेचते समय वो क्रेता को 20% कम वजन तोलता है, ठीक है, यानी कि 20% कम वजन का मतलब क्या हो गया कि उसको कितने ग्राम देना चाहिए था, 100 ग्राम, लेकिन असल में वो कितना दे रहा है, सिर्फ 80 ग्राम, 20% कम का मतलब कितना हो गया, सिर्फ 80 ग्राम वो देता है, तो यानी कि 80 का विक्रय मूल्य उसने असल में लगाया है 135, ठीक है। और अगर आप 100 का क्रय मूल्य 100 मान रहे थे तो 80 का क्रय मूल्य आप कितना मानोगे, 80 ही मानोगे, ठीक है, तो आप लगा सकते हो कि 80 का क्रय मूल्य आपने ले लिया 80 रुपए, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। हमने यहां 100 मान के किया था ताकि हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन अगर मैं 100 का 100 मानता हूं अच्छी बात है, यानी कि 100 का बढ़ा के उसने लिखा 150% और 150 का विक्रय मूल्य हो गया 135, लेकिन असल में उसने 100 का बेचा नहीं, उसने बेचा सिर्फ 80 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं 80 ग्राम की बात करूं तो उसको एक्चुअल में 80 रुपए ही पढ़ने थे, लेकिन उसने 80 ग्राम को विक्रय मूल्य रखा है 135 रुपए,
ठीक है। अब देख लेते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना है, 55 का, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हो गया 55 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 55 गुना 100 और क्रय मूल्य आपका 80, ठीक है। ये आ गया 5, ये आ गया 4, यानी कि 55 गुना 5 कितना हो जाएगा, 275/4, 4 6 24, 3 5 4 8 72, यानी कि 68.75, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा आपके पास, 69%। समझ में आया, यानी कि अगर 100 का क्रय मूल्य आप 100 ले रहे हो तो 80 का क्रय मूल्य आप 80 ले सकते हो, 50 का क्रय मूल्य 50 ले सकते हो, 5 का क्रय मूल्य 5 ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहां अगर वो 80 ग्राम बेच रहा है तो हम क्रय मूल्य भी 80 का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 80 का विक्रय मूल्य 135, लेकिन 80 का क्रय मूल्य होना चाहिए था 80 रुपए, ठीक है। लाभ उसको हो रहा है 55 रुपए का, तो लाभ परसेंट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू ने 150 रुपए प्रति कमीज की दर से 250 कमीजें खरीदी, उसने इन कमीजों की पैकेजिंग पर 5000 रुपए का व्यय किया, उसने प्रत्येक कमीज का मूल्य 255 रुपए अंकित किया, लेकिन विक्रय के बाद प्रत्येक कमीज पर, विक्रय के समय प्रत्येक कमीज पर 20% का बट्टा दिया, यदि उसने सभी कमीज बेच दिया हो तो उसके द्वारा लाभ अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहां आपको दिख रहा है कि जो उसका व्यय हो रहा था वो कमीजों की संख्या से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी कमीज वगैरह का या कुछ सामान था जिसमें उसने पैकेजिंग पर भी कुछ खर्च कर रखा था, तो वहां हमारे पास जो संख्या थी वस्तु की वो पैकेजिंग की संख्या को नहीं काट रही थी, ठीक है। तो वहां हमको क्या करना पड़ा कि टोटल हमने उसकी कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा। यहां हम क्या कर सकते हैं कि अगर कमीज 250 रुपए, 250 कमीजें हैं और 5000 रुपए उसका व्यय हो रहा है, तो हर कमीज का आप औसत व्यय ले सकते हो, यानी कि 150 रुपए तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और अगर 5000 रुपए 250 पे बेच उस पर खर्च कर रहा है पैकेजिंग पर, तो एक कमीज पर उसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि 25 से इसको काटेंगे 20 रुपए, यानी कि आप औसतन कह सकते हो कि 20 रुपए जो है वो पैकेजिंग पर भी खर्च कर रहा था, यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 170, ठीक है। अब अगर विक्रय मूल्य की बात करो, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य था 255, जिस पर 20% का बट्टा, 20% का मतलब क्या हो गया, पांचवा हिस्सा, ठीक है। पांचवा हिस्से का मतलब 255 का अगर आप पांचवा हिस्सा देखो तो कितना हो जाएगा, 51 रुपए, यही हो जाएगा 51 रुपए, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 204 रुपए, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉफिट कितना है, 34 रुपए का। अब अगर आपने जैसे ही 34 रुपए देखा तो आप इसको सेकंडों में भी बता सकते हो कि अर्जित लाभ प्रतिशत क्या था, क्या था, 34 रुपए लाभ 170 के ऊपर, यानी कि पांचवा हिस्सा, 170/5 अगर करोगे तो 34 ही तो आता है, 34 × 5 = 170, यानी कि पांचवे हिस्से का लाभ होता है, ठीक है। पांचवे हिस्से का मतलब 20% का लाभ होता है, या फिर हम सीधा सा क्या कर सकते हैं, 34 प्रॉफिट हुआ गुना 100/170, 5 से इसको काटो 20% का लाभ, ठीक है। अब इसको आप टोटल कॉस्ट से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 150 गुना 250, लेकिन वो बहुत लंबी कैलकुलेशन आपके लिए पड़ जाएगी, 150 गुना 250 करते और उसमें 5000 रुपए जोड़ते पैकेजिंग का, तो ये आ जाता आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस की आप बात करो तो 255 रुपए अंकित मूल्य, 20% का बट्टा मतलब 80/100, और कितनी कमीजें थी, 250, तो आपके पास आता टोटल सेलिंग प्राइस। फिर यहां से आप निकालते प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन आपके लिए हो जाती, ज्यादा टाइम लग जाता, हो सकता है गलत होने का भी गुंजाइश हो जाए, ठीक है। तो जहां आपको लगे कि पैकेजिंग वगैरह का जो एक्स्ट्रा खर्च है उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ जो थिंग्स हैं या टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उससे आप काट सकते हो, तो आप उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लो कि एक कमीज पे कॉस्ट कितना होता है, ठीक है। अगर एक कमीज का आपके पास क्रय मूल्य मिलता है तो एक कमीज का विक्रय मूल्य निकाल लो, लाभ प्रतिशत निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक था, वस्तु बी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक था, वस्तु बी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर वस्तु ए के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर था, दोनों वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचा गया, यदि वस्तु बी का विक्रय मूल्य वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 45 रुपए अधिक है तो वस्तु ए का
क्रय मूल्य क्या है। देखिए बड़ा अगर पढ़ रहे हैं तो बड़ा सिर में आपको लग रहा होगा कि सिर में दर्द हो गया, लेकिन ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है बी का क्रय मूल्य, यानी कि अगर आप ए और बी का क्रय मूल्य देखें तो ए का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए तो बी का कितना है 120। ठीक है भाई, ये तो कह रहा है कि बी का जो क्रय मूल्य है वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक था, यानी कि ए का 100 तो बी का हो गया 120। अब ये कह रहा था कि वस्तु बी का जो अंकित मूल्य है यानी कि इसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, 1/5। 20% को आप 1/5 कह सकते हो तो 120 का चौथा हिस्सा 1/5 कितना हो जाएगा 24 रुपए, यानी कि उसने लिखा उसको बढ़ा के 24 रुपए, तो यानी कि 120 की बजाय उसका हो गया 144 रुपए। क्लियर है जी यहां तक। अब ये कह रहा है कि वस्तु बी के अंकित मूल्य, भाई ये हमारा था क्रय मूल्य और अब हमारा चल रहा है अंकित मूल्य। ये कह रहा है कि वस्तु बी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी कि 124 और 120 का अंतर, 24 रुपए का जो अंतर है वो ए के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है, यानी कि अगर इनका अंतर 24 है तो इसका अंतर भी 24, यानी कि 124 रुपए ए का अंकित मूल्य हो गया। ठीक है जी, यानी कि ए का अंकित मूल्य 124, बी का अंकित मूल्य 144। अब दोनों वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचा गया, 10% की छूट का मतलब इसका 10वां हिस्सा, 124 का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा 12.4, भाई एक अंक बाद ही तो दशमलव लगानी है, और बी का 144 - 14.4। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना आता है, 124 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो बचेगा 112, यानी कि 111.6, और नीचे 144 में से अगर 14 घटाएंगे तो 130, यानी कि 129.6। ठीक है, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, सारी चीजें आ गई। अब ये कह रहा है कि बी का जो विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य से 45 अधिक है, यानी कि यहां आपको अंतर कितना दे रखा है 18, लेकिन एक्चुअल में उसका अंतर कितना है 45। ठीक है, यानी कि 18 के बराबर 45, तो एक के बराबर कितना हो गया 45/18, इसको काटेंगे तो 18 × 36 और 18×5=90। आपसे पूछा था ए का क्रय मूल्य क्या है, ए का क्रय मूल्य आपने कितना लिया था 100, तो यानी कि 2.5 × 100, 250 रुपए ए का क्रय मूल्य आ गया आपके पास। मुश्किल तो नहीं है, अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको दिमाग में लेके बैठ जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, 3-3, 4-4 अक्षर, और जितना कहता जा रहा है उतना उतना करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा ने एक कैलकुलेटर खरीदा, छूट न मिलने पर उसे 82.5 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ते, उसने कितनी कीमत में कैलकुलेटर खरीदा। देखिए अगर वो 30% छूट ना मिलती उसको तो उसको 82.5 रुपए अधिक देने पड़ते, यानी कि जितना 70% देना था पहले भी उतना 70% तो देना था और छूट देने के बाद भी उसने दिया, लेकिन अगर 30% छूट ना मिलती तो उसको 82.5 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ते, यानी कि अगर 30% छूट ना मिलती तो उसको 82.5 रुपए की भी छूट ना मिलती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो आपके पास दे रखा है 30 के बराबर है 82.5। भाई 82.5 अतिरिक्त देने का मतलब क्या है कि उसको 82.5 रुपए की तो छूट मिली है। ठीक है, यानी कि वहां थी परसेंटेज में 30% और एक्चुअल वैल्यू उसको दे दिया आपको 82.5, तो 30 के बराबर 82.5, एक के बराबर कितना हो जाएगा 82.5/30। ठीक है, आपसे पूछा है कि उसने कितनी कीमत में कैलकुलेटर खरीदा, अगर 30% की उसने छूट ले ली तो कितने में खरीदा होगा 70 में खरीदा होगा, यानी कि असल में वो आपसे अब 70 की ही वैल्यू पूछ रहा है कि 30% छूट देने के बाद अगर वो 70% में खरीदता है तो उसने कितने में खरीदा, तो 70% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट गया, 3 से अगर आप काटेंगे तो 27 और 5, यानी कि 27 × 5 कितना हो जाएगा 7×5=35 और 27 × 7 = 189 और 3 = 192, तो 192.5 में उसने कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है जी, समझ में आ गया,
30% की छूट का मतलब है कि एक तरफ तो उसको मिल रही है परसेंटेज में 30% और एक्चुअल वैल्यू उसको मिल रही है 82.5, तो 30 के बराबर 82.5 तो 70 के बराबर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 12,000 रुपए पर 25% का बट्टा दिया और उसे 10% की हानि हुई। उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत बट्टा देना चाहिए ताकि उस वस्तु को बेचने पर उसे 440 रुपए का लाभ। देखिए 12,000 पर 25% का बट्टा, 25% का मतलब 1/4 और 10% की हानि का मतलब 1/10 भाग की हानि। देखिए 12,000 पर अगर वो 25% का मतलब 1/4 बट्टा देगा तो अंकित मूल्य चलो उसको लिख लेते हैं 12,000। अंकित मूल्य आपने ले लिया 12,000। विक्रय मूल्य यानी कि 25% का अगर बट्टा देगा तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 12,000 का 1/4 तो उसने बट्टा दे दिया तो 12,000 का 1/4 का मतलब 3,000 छूट दे दी तो विक्रय मूल्य बचा उसका 9,000 रुपए। ठीक है, लेकिन उसे 1/10 भाग की हानि होती है यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, आप यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए 10,000। ठीक है, या फिर अगर आप इस तरह अंदाजा भी ना लगा पाओ तो 1/10 का मतलब क्या है कि ये हानि है और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना है भाई, 10 के बाद 1 की हानि, तो यानी कि 9 के बराबर आपको दे रखा है 9,000, तो 1 के बराबर हो गया 1,000, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो आप यहां से निकाल लो चाहे तो, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल कैलकुलेशन तो थी नहीं कि आपको सीधा पता है कि भाई 10,000 पे ही 10% की अगर हानि होगी तो यानी कि 1,000 रुपए की हानि 10% पे 10,000 पे हो सकती है, तो यानी कि विक्रय मूल्य हो गया उसका 9,000 और क्रय मूल्य हो गया 10,000। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत बट्टा देना चाहिए ताकि उस वस्तु को 440 रुपए का लाभ हो। ठीक है, यानी कि 440 का लाभ कब होगा, जब उसका विक्रय मूल्य होगा 10,440। ठीक है, बट्टा कितने प्रतिशत होना चाहिए, बट्टा देखिए कितना देना पड़ेगा उसको, अगर मैं 12,000 में से 10,440 को माइनस करूं तो कितना बचेगा मेरे पास 1,560 रुपए। ठीक है, 10,440 से 12,440 तक अगर जाओगे तो 2,000, लेकिन उससे 540 कम है, तो यानी कि 1,560 रुपए का आपको बट्टा देना पड़ेगा, बट्टा इंटू 100, और जो छूट या बट्टा हमेशा मिलती है वो कहां मिलती है, अंकित मूल्य के ऊपर, यानी कि 12,000। ठीक है, 3,0 से 3,0 गई और 12 से इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 13%, यानी कि उसको कितने का लाभ, कितने का बट्टा देना चाहिए 13%। समझ में आया, अंकित मूल्य 12, 25% का बट्टा मतलब 1/4 का बट्टा तो आ गया आपके पास सीधा 9,000 और 10% की हानि, तो यानी कि क्रय मूल्य आपने अंदाजा लगा लिया कि यहां 10,000 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो क्रय मूल्य 10,000 है उस पर चाहिए उसको 440 रुपए का लाभ, यानी कि 10,440 में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, 10,440 में बेचेगा तो यानी कि 1,560 रुपए का उसको लाभ होगा, उसको छूट देनी पड़ेगी और 1,560 की छूट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य। चलिए, डिस्काउंट का हमारा ये सेशन खत्म होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी थे लेकिन आसान हो गए आपके लिए अब, क्योंकि आपने उनका एक बार सॉल्यूशन देख लिया आसान तरीके से। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिस्काउंट को ही कंटिन्यू करेंगे, बट्टा को ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।